अगेन बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज सब्सिडी फेवर एंड अगेंस्ट। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, हमारी गर्ल्स जो हैं वो फेवर में है, नहीं गर्ल्स अगेंस्ट हैं, बॉयज फेवर में है। मतलब पहली बार बॉयज फेवर में आ गए हैं। चलो वैसे तो जनरली लड़के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, बट इस बार वो फेवर में है। तो सब्सिडी फेवर एंड अगेंस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट विद गर्ल्स, नहीं गर्ल्स तो अगेंस्ट है ना, तो बॉयज आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप फेवर में है। ओके लीजिए, मैम जब हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी फार्मर्स को देती है तो उससे उनके इनपुट्स सस्ते पड़ते हैं और उनका एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होती है। बट जब गवर्नमेंट ये पॉलिसी निकालती है कि उन्हें जब मिलेगा जो भी वो बेनिफिट्स देंगे पॉलिसी की, जिससे फार्मर्स इजी सीड्स ग्रो खरीद पाए, जिससे वो अपनी क्रॉप ग्रो कर पाए, बट जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है, वो उनका बेनिफिट पहले ले लेती है, जिससे कि उन्हें पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वो सीड्स उन प्रॉपर प्राइस पे नहीं खरीद पाते हैं, जिससे उन्हें बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन मैम गवर्नमेंट ने देने तो सबको थी, उन्हें किसी को मना थोड़ी करा है, उनको सबको ही देना है, तो अभी भी उनको मिल सकती है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए ले पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के तो ले सकते हैं, किसी और ने लिया तो उसे देख के। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है फार्मर्स को, उसका वो यूज करते हैं, लेकिन वो उसका ओवर यूज करते हैं, जिससे हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, और दूसरा उससे वो ओवरग्रो हो जाती है, जिससे उन्हें स्टोर करने में भी प्रॉब्लम होती है और फिर सेल करने में भी प्रॉब्लम होती है। मैम इन्होंने बोला जैसे वो ओवर यूज करते हैं, मैम उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, अगर वो ओवर यूज करते हैं तो उससे हमारा बफर स्टॉक बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। नहीं ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है मैम, उससे हमारी कंट्री डेवलप ही हो रही है मैम। जो सब्सिडीज होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इससे जो है गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट पे फिस्कल बर्डन आता है, मतलब जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसको ज्यादातर तो गवर्नमेंट मतलब फार्मर को सब्सिडी देने में खर्च हो जाता है। मैम अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो हम फार्मर डाइवर्ट हो जाएंगे एग्रीकल्चर से सेकेंड सेक्टर की तरफ। जो रिच पीपल्स होते हैं वो इसका ज्यादा यूज कर जाते हैं, और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है ना, वो अगर HYV सीड्स होंगे तो फिर उनसे फार्मर्स उन्हें सब्सिडीज बेसिस पे खरीदेंगे, और फिर क्या होगा जो फर्टिलाइजर कंपनी होगी इसका फायदा उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो उन्हें फार्मर से ज्यादा चार्ज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजर खरीदने आएंगे उन पे, इससे ज्यादा फिर बेनिफिट फर्टिलाइजर कंपनीज को हो जाएगा। सब्सिडी जो मैम गरीब फार्मर है और पुअर फार्मर है उनके लिए बहुत जरूरी है मैम, वो क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और इससे अपनी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी गवर्नमेंट पे जो फिस्कल बर्डन पड़ता है उसको चुकाने में और सारे लोन को चुकाने में। सब्सिडी से प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और जब हमारे पास ज्यादा स्टॉक होगा तो जो उसकी प्राइस है, जो क्रॉप्स का प्राइस है, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे फार्मर अपने क्रेडिट को पे नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर मैम वो लो प्राइस में भी सेल करेंगे मैम अपने जो उसकी क्रॉप है मैम, तो लो प्राइस में भी उसके पास जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा मैम, इससे मैम इमरजेंसी पे लोगों को मैम टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। पर मैम जो जीडीपी है वो तो लो हो जाएगी, तो इससे ना तो स्टोरिंग में हो पाएगी, लोग स्टोर भी तो नहीं कर पाएंगे हमारे क्रॉप्स, वो तो सारे खराब हो जाएंगे। मैम कैसे खराब हो जाएंगे मैम, इन्होंने बोला कैसे खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमें हर चीज से मैम फैसिलिटी मिल रही है मैम, हम मंडी में सेल भी कर सकते हैं उसे मैम, वहाँ बफर स्टॉक के रखते हैं। हम अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो हम जो एग्रीकल्चर क्या कहते हैं फूड होगा ज्यादा बनेगा, इससे इम्पोर्ट ही बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। मैम ओवर भी हो जाएगा ना, तो जिन कंट्री में इमरजेंसी है हम उनको दे सकते हैं, जिससे वहाँ भुखमरी नहीं होगी और हमारे
इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे वर्ल्ड में। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है वो जो अपना रेवेन्यू प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ग्रुप से ही लेती है टैक्स के रूप में, और जब सब्सिडीज ज्यादा बढ़ाएगी मतलब सब गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का जो टैक्स है वो इंक्रीज होता है, तो इससे जो कंज्यूमर की सेविंग है वो डिक्रीज हो रही है। इनडायरेक्टली मान लिया हमसे लेती तो हमसे ही है, लेकिन हम ज्यादातर वो रिच पीपल से लेती है, गरीबों से कम लेती है, क्योंकि ना रिच पीपल ज्यादा टैक्स देते हैं, हम तो थोड़ी चीजों में देते हैं, जैसे हमारा बिस्किट वगैरह ये भी नॉर्मल चीज हम उनमें कम देते हैं, इनडायरेक्टली कम देते हैं, वो रिच से ज्यादा लेते हैं। बेनिफिट्स होता है रिच फार्मर्स ले लेते हैं, वो ले लेते हैं और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बट जब तक उनके पास पुअर फार्मर्स के पास पॉलिसी आएगी उन्हें बेनिफिट मिलेगा नहीं, रिच फार्मर्स ले लेंगे वो तो रिच हो जाएंगे, पुअर तो पुअर ही रह जाएंगे भाई, जब उनके पास सब्सिडी आएगी नहीं पूरी तरीके से। हम अपॉर्चुनिटी सबके पास आई है ना, जो ले सकता है वो ले रहा है, और जो पुअर फार्मर्स नहीं देंगे तो हम इससे इनकम इनइक्विटी बढ़ जाएगी। सब्सिडी से प्रमोट होती है इक्विटी, बट इससे कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सब्सिडी का फायदा तो रिच पीपल्स और फर्टिलाइजर कंपनी ले जा रही, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है सब्सिडी प्रोवाइड कराने का। अगर मैम फर्टिलाइजर कंपनी उससे मैम फायदा ले जा रही है, पर उसको फार्मर को भी तो फायदा हो रहा है उससे, क्यों? उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंट्री डेवलप, कंट्री थोड़ी डेवलप हो रही है, हम दूसरे कंट्री उसको सेल कर सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी? क्यों सब्सिडी मतलब पॉलिसी तो सबके लिए आई है ना, एक पॉलिसी सबके लिए, लेकिन मेन किसके लिए? फार्मर के लिए है, क्योंकि भाई फार्मर ही एग्रीकल्चर करते हैं ना कि हम लोग करते हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत है उसकी, और लेकिन उन तक तो वो पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि उनके पास देखो नॉलेज नहीं है, बहुत लोगों के पास वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती टाइम पर, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ जैसा कि इन्होंने बोला। चांस तो सबके पास इक्वल होता है, रिच के पास भी इक्वल होता है, पुअर के पास भी इक्वल होता है। मैम पॉइंट ये था कि गरीबों के पास नहीं पहुंच पा रही ना फर्टिलाइजर, क्योंकि कंपनी सब्सिडी ले रही है, उनको सस्ते में पड़ रहा, उनको नहीं पड़ रहा फार्मर्स को। जब मैम डिमांड कम, जब मैम ले नहीं ले पाएंगे तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बाद में फिर प्राइस कम हो जाएगा ना। कंज्यूमर्स के लिए बोला, फार्मर्स के लिए बोल देना, वही वाला मैं कंज्यूमर के लिए कह दिया, वैसे डिबेट तो फार्मर के ऊपर हो रही है कि फार्मर को प्रोवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे कि पुराने जमाने में क्या हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तो फिर गवर्नमेंट ने जो ये न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आया था HYV6, ठीक है, वो HYV6 इसलिए लेकर आए थे कि लोगों को इसके बारे में पता चले, पर क्या हुआ था कि लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक ना रिस्की बिजनेस है, ठीक है, तो क्या हुआ था, तो फिर गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी प्रोवाइड करी कि गवर्नमेंट इसको सस्ते पे लोगों को देगी ना, कि तो फिर उसे खरीदेंगे, उन्होंने फिर खरीदा, ट्राई करा, अब तो इस अब लोगों को बिलीव है कि हाँ HYV6 अच्छे है, तो सब्सिडी की अब जरूरत नहीं है। लोगों के पास HYV6 खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, इसलिए वो सब्सिडी लेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडीज तो इसीलिए दे रही है ताकि जो फार्मर से उनकी इनकम राइज हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज ले सके, मतलब हर चीज का बेनिफिट ले सके। बोलो जल्दी, बोलो कोई जल्दी, तू बोल दे, मैंने बहुत बार बोल दिया, बोल दोबारा बोल। सब्सिडी के अलावा भी अदर पॉलिसीज है, जिस लाइक क्रेडिट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो क्रेडिट लेके वो अपना काम भी कर सकते हैं, तो सब्सिडी लोन ले सकते हैं, तो सब्सिडी की नीड नहीं बहुत ना सब्सिडी। इसमें उनके डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस ज्यादा है ना, उनको रिस्क होगा। जो सब्सिडीज का जो गोल है, मेन गोल है कि
फार्मर्स को एम्पावर करना, मतलब उनको सब्सिडीज देकर उनको इस काबिल बनाना कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो गोल है गवर्नमेंट का, ये एम्पावरमेंट से डिपेंडेंस पे चेंज होता जा रहा है फार्मर्स के लिए। ये सिर्फ इस फार्मर्स के लिए, और जब वो फार्मर का पैसा ही नहीं है तो, जब इस फार्मर का पैसा ही नहीं है तो हम वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो हम देश भूखा मर जाएगा और वो डाइवर्ट करेगा दूसरे की तरफ। अगर जब उसने देश के पास पैसा ही नहीं है तो हम अपनी लैंड बेच देगा वो हम अपनी को, तो फिर हम एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। वो लोग क्रेडिट से HYV सीड्स खरीदेंगे तो प्रोडक्शन तो होगी, जो प्रोडक्शन होगी उससे क्रॉप्स बेच के जो अपना क्रेडिट तो हटा सकते हैं ना वो लोग, इसमें सब्सिडी की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों जब HYV सीड्स खरीद रहे हैं प्रोडक्शन तो होगी ना। जैसे कि मैंने अभी पिछली बार भी बोला था, उनके पास डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, टाइम टू टाइम वो अपनी EMI जल्दी दे नहीं पाते, कभी कभी भूल भी जाते हैं, उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि इनको टैक्स लग जाएगा या फिर उनके इंटरेस्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उसकी वजह से, इसलिए अभी सब्सिडी की उन्हें जरूरत है। HYV सीड्स तो खरीद ही ले रहे ताकि अच्छी प्रोडक्शन हो, तो डेप्ट ट्रैप में तो फंसने के चांस ही नहीं है कहीं से। HYV सीड्स से तो वैसे ही अच्छी प्रोडक्शन होती है। मैं जितने भी बाहर कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज वो हम सब्सिडी दे रही हो इंडिया से ज्यादा, और फिर भी इंडिया सबसे ज्यादा, इंडिया फिर भी मैम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में सबसे आ गया वर्ल्ड में, जबकि कम सब्सिडी दे रही, सबसे ज्यादा कम दे रही सब्सिडी, फिर भी सबसे आ गया। मैम मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि इंडिया दे रही 0.6% एग्रीकल्चर पे सब्सिडी, और चाइना जबकि हमसे ज्यादा डेवलप्ड है फिर भी दे रहा 1.6%। डिपेंडेंट रहे ना डिपेंडेंट है। और एक और चीज बोल सकती है, विनर है।